महाराज की जय। बोलो गुरु बाब रामदास महाराज की जय। शुरू हो चुकी है ग्राउंड खेल प्रतियोगिता वॉलीबॉल टूर्नामेंट। चल बोल फिर कुछ कर दिए उधर गोल्डी मंगूर साडे भरावे वाली प्रेस दे लई बहुत सोना बड़ा मान प्यारा है गोल्डी मंगूर दे आवे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरूका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरे खुद के गांव बरोखा में। और बरोखा डाणी गांव के अंदर जो है वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बरोखा गांव की, जहाँ पे एक वॉलीबॉल जो है वो प्रतियोगिता टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और मीडियम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए डेरा बाबा भूमन शाह संघर्ष साधा से महंत या गद्दी नशीन जो बाबा ब्रह्मदास जी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो खुद यहाँ पे खेल करके शूट लगा करके जो है वो इस टूर्नामेंट का शुरुआत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में कि ये जो उद्घाटन मैच हो रहा है फ्रेंडली मैच जिसको बोलते हैं, वो उस उद्घाटन मैच में जितने खिलाड़ी हैं उन तमाम खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप जो है वो परिचय लगातार उनका जो है वो करवाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है वो देखिएगा, यहाँ पे जो कि प्रिंस कंबोज है उस खिलाड़ी को जो है वो गाड़ी दे करके जो है वो सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। NRI जो है वो स्पोर्ट्स प्रेमी हैं और बाबा दीप सिंह स्पोर्ट्स क्लब है उसके जो ओनर हैं या उस स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है वो प्रिंस कंबोज खिलाड़ी वॉलीबॉल के उनको जो है वो गाड़ी दे करके सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। अब अगर बात करूँ तो लवप्रीत सिंह जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके द्वारा, और इसके साथ अगर मैं दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँ तो दिलराज भाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके द्वारा जो है वो एक बाबा दीप सिंह स्पोर्ट्स क्लब जो है वो चलाया जा रहा है। उस स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो है वो प्रिंस कंबोज जो कि वॉलीबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं उनको सम्मान स्वरूप जो है वो गाड़ी दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि डेरा बाबा भूमन शाह संगर साधा से बाबा ब्रह्मदास जी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके हाथों से जो है वो उनको सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है वो फूल मालाएं और नोटों की माला के साथ जो है वो प्रिंस कंबोज का सम्मान जो है वो बड़े जोर शोर के तरीके के साथ जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरोखा गांव की। बरोखा गांव में जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो चल रहा है केवल एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि और भी खिलाड़ी हैं जो कि फौजी बागड़ी है, उस फौजी बागड़ी को 1,00,000 रुपए की नगद राशि के साथ जो है वो सम्मानित किया जाना है। और इसके साथ अनेकों अन्य खिलाड़ी भी हैं जिनको जो है वो चांदी की चैन के साथ और अंगूठी के साथ जो है वो सम्मानित किया जाना है। तो वो तमाम डिटेल तमाम अपडेट भी हम अब आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी को किस सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। और इस वक्त तस्वीरें जो है आपको बरोखा गाँव की दिखा रहे हैं जहाँ पे खेल प्रेमियों के द्वारा खिलाड़ियों को जो है वो काफ़ी अच्छी सम्मान काफ़ी अच्छा सम्मान जो है वो देने का काम जो है वो किया जा रहा है। चलिए अभी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, बाबा ब्रह्मदास जी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखिएगा बाबा ब्रह्मदास जी के द्वारा जो है वो उन्हें गाड़ी की चाबियाँ भेंट जो है वो की जा रही हैं। बोल बाबा पुमड़िया महाराज की जय। रुक जाए बस।
यहाँ पे डेरा बाबा भूमन शाह संघर्ष सादा से जो है वो गद्दीन सिंह संत बाबा भूमन शाह बाबा ब्रह्मदास जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी अगर बात करें तो खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा सम्मान जो है वो NRI लोगों के द्वारा और बरोखा गांव के अंदर जो है वो किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं बरोखा ढाणी और बरोखा गाँव को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आज बहुत बड़ा इतना बड़ा उन्होंने प्रोग्राम किया है टूर्नामेंट का, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। इसके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद सरपंच साहब बटाणी बरोखा और सभी को देता हूं, जो को प्रबंधक कमेटी है जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक उपराला किया है। इसके लिए आज एक बहुत हमें खुशी यहां आकर हुई कि ये गांव हमेशा ही बहुत अग्रसर रहता है खेलों में या नशे से, हमेशा यहाँ के जो नौजवान हैं दूर रहते हैं और खेलों से जुड़ने के कारण ही, इसलिए सभी हमारे भारत देश के नौजवानों को खेलों से जुड़ना चाहिए और देशभक्ति से जुड़ना चाहिए। आज बहुत ही हमें खुशी हो रही है कि एक हमारा पनिहारी का जो बच्चा प्रिंस, जो कि बहुत स्टेट लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आया है, उसको आज बाहर से NRI जो लोग हमारे जो भारत देश के हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बच्चे को सम्मानित किया है और इस बच्चे को मैं बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और ये आगे बढ़े और अपने देश और अपने माँ बाप और अपने देश का नाम ऊँचा करे, इसी तरह बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया पापा जी बातचीत के लिए। तो अभी प्रिंस जिसका सम्मान अभी किया गया है, गाड़ी के साथ जो है वो सम्मानित किया गया है, उससे बातचीत करते हैं। प्रिंस अगर बात करें तो गाड़ी जो है वो समय समय पे जो है वो आप लोगों को इस तरह से सम्मान मिलता रहता है। आज जो बरोखा की धरती पे गाड़ी जो है वो NRI लोगों के द्वारा या बाबा दीप सिंह स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद ही नहीं थी ऐसी कि मैं इतना भी कुछ पा सकता हूँ। मैं पहले बाइक जीती थी, मैंने मोगा में बाइक जीती थी, अब भाइयों ने USA लपरी संधु और दिलराज वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया भाइयों ने बहुत मान करा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा और सभी प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इस तरह से सम्मानित होते हैं तो क्या लगता है कि आगे जो है वो और ज़्यादा मेहनत करें और दूसरे युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलती है कि वो भी मेहनत करें खेलों की ओर अग्रसर रहें, नशे से दूर रहें? मेहनत तो हम स्टार्टिंग से ही जितनी पहले कर रहे हैं उतनी अब कर रहे हैं। मेहनत का कोई नहीं है कि मेहनत हमने छोड़ दिया कुछ भी है। प्लेयर बनने के बाद ये नहीं है भी थोड़ा बहुत प्लेयर बनने के बाद बंदा अपनी मेहनत छोड़ देता है या कुछ भी है, प्लेयर मतलब कि अपनी मेहनत पूरी अपनी चलती है, दिन रात ग्राउंड के जब भी दिल करे ग्राउंड में जाते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बाकी आगे जो है हम और बातचीत करेंगे। तो ऐसे में मैं आपको इधर ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा कि गांव के लोगों को, खेल प्रेमियों को कितनी खुशी हुई है कि आतिशबाजी जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पे की जा रही है। अब और भी खिलाड़ियों का कुछ सम्मान जो है वो किया जाना है, उससे पहले जो है वो ये कोच साहब इनसे बातचीत करते हैं। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़े शब्दों? देखो जी ये छोटे छोटे थे और मेहनत करते थे बहुत अच्छी, किसी किस्म का कोई नशा नहीं करते, अच्छी गेम है, इन्होंने अच्छी मेहनत करी है और आज इनका रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा आ रहा है और आगे भी नेशनल में इंटरनेशनल सब खेला हुआ हूँ और इनको तैयार करे, आज ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। बाबा जी ने जो नशे के बारे में कहा ये भी बहुत अच्छा कहा, अभी अगर ये नशे से बचे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे, धन्यवाद। चलिए दूसरे खिलाड़ियों का सम्मान होता है वो भी दिखाएंगे, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। तो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि विक्की संधु जिसका सम्मान जो है वो लगातार वॉशिंग मशीन दे करके जो है वो किया जा रहा है और आपको बता दें कि पूरे सम्मान राशि जो है वो बाबा दीप सिंह स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मुख्य रूप से अगर बात करूँ तो डेरा बाबा संघर्ष सादा भूमन शाह संघर्ष सादा से बाबा ब्रह्मदास जी जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आशीर्वाद सदके राजू मास्टर जी भी आ गया।
चलिए यहाँ पे जो है वो दोनों गांव के बरोखा गांव और बरोखा डाणी बरोखा गांव से सरपंच और उसके साथ साथ अगर गांव के लोगों की बात करें तो गांव के मौजूदा व्यक्ति जो है वो सम्मानित लोग वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस टूर्नामेंट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले डाणी बरोखा के सरपंच मिल्कराज से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या माने और आने वाले समय में क्या इस तरह से ये खेल आयोजित जो है होते रहेंगे? हाँ, जैसा कि टूर्नामेंट तो आप देख रहे हो अभी चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव के अंदर इस तरह के मनोरंजन और जो खेल की तरफ रुझान रहे हर बंदे का, हर खिलाड़ी का, भी नशे की तरफ ना जाए। मेन पर्पज तो हमारा यही है कि टूर्नामेंट और खेलों की तरफ ध्यान रखना ही, हर खिलाड़ी को जागरूक करना, इसलिए हमने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ठीक है सरपंच साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बरोखा गांव से सरपंच प्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से जो है वो यहाँ पे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, कोई गाड़ी से सम्मानित किया गया है और 1,00,000 रुपये की राशि से और चैन से और वॉशिंग मशीन से, तो इस तरह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक मोटिवेट करने का ये कदम मान सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आए हुए मेरे मीडिया भाई इनका स्वागत करता हूं और बाकी ये हमारे गांव में ये आयोजन हो रहा हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे गुरुजी के ऑर्गेनाइजेशन में उनके देख रेख में हो रहा है, रही बात जो लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं, इससे हमारे युवा है वो बहुत अच्छे मोटिवेट होंगे, आने वाले नए खिलाड़ी उसको देख के आगे बढ़ेंगे और जो नौजवान है वो नशे से दूर रहेंगे। ये बहुत बढ़िया, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन? गाँव बरोखा शुरू से ही जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे से तीसरी पीढ़ी है, हम छोटे छोटे थे तो खेलों की तरफ हमारा गांव शुरू से ही है। पुराने खिलाड़ी आज भी इस ग्राउंड में मौजूद है जिनको हम छोटे छोटे जब बच्चे थे तो देखते थे। बहुत बढ़िया, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनके संस्कार, हमारे परंपरा जो चली आ रही है, बहुत ही हमारे गाँव के लिए गुरुओं की देन है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि गाँव में स्पोर्ट्स अकेडमी है जिससे जो युवा हैं वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल की भावना हर बच्चे में है और इसी की मतलब देन है कि हमारे बच्चे आर्मी में, पुलिस में और जो इंटरनेशनल लेवल तक खेल रहे हैं वो इसी हमारे संस्कारों की और हमारे जो बुजुर्ग और जो इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी देन है, हमारे सरपंचों आदि की, जिन्होंने मतलब खेलों को हमेशा ही जीवित रखा है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इवेंट को लेकर के और जो सम्मानित यहाँ पे इस धरती पे किया गया है खिलाड़ियों को, उनको लेकर के? नहीं, ये जो खिलाड़ी जितने भी स्पोर्ट्स के यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं उनको सम्मान, उनको मोटिवेशन के लिए हमारा, हमारे गांव की दोनों पंचायतों का, दोनों पंचायतों का बड़ा धन्यवाद है कि वो नशे से मुक्ति और अच्छे खिलाड़ियों को मोटिवेशन के लिए आयोजन किया जा रहा है। हमारे गाँव में शिक्षा और स्पोर्ट्स के बड़ा पुराने समय से प्रचलन चल रहा है और यही हमारे गाँव की सबसे बड़ी संपत्ति है जो आज गांव ने पेश भी कर दी और आसपास क्या जानी मानी टीमें आज यहाँ आई हुई है और इसी वजह से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये बड़ा सफल है और मैं दोनों पंचायतों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय के लिए फिर दोबारा ऐसे बड़े आयोजन हम दोबारा करवाने के लिए हम आशा कर रहे हैं इनसे। ठीक, शुक्रिया सर। आप थोड़े शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर के, गाँव को लेकर? शिक्षा और स्पोर्ट्स ही एक ऐसे हैं जो बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं। दोनों पंचायतों का आपसी में सहयोग रहा, ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी मैं आपको एक शख्सियत से जो है वो और मिलवाना चाहूँगा। महान खिलाड़ी के पिता हैं, शालू का नाम शायद आपने सुना होगा, पूर्व सरपंच रामचंद्र जी। सर, आपका बेटा जो है वो काफ़ी बुलंदियाँ जो है वो खेलों के मामले में छूता हुआ दिखाई दे रहा है, अनेकों बार सम्मानित हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है क्या कुछ कहना चाहेंगे टूर्नामेंट को लेकर के, खेलों को? ये गांव वालों का बहुत बड़ा योगदान है गेमों के बारे में, गेमों में और खेलों में, सारे हर एक काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज जो मान सम्मान हुआ है बहुत अच्छी बात है। ये NRI जो ब्रदर्स हैं वहाँ के, बहुत हर एक प्लेयर के लिए कर रहे हैं। पिछले साल राकेश शालू का बेटे का भी बुलेट मोटरसाइकिल जो 2,50,000 रुपये का आया था उससे सम्मान किया। राजपाल बागड़ी अपने हरी का, उनका भी 4.5 लाख रुपए की गाड़ी से सम्मान किया। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है इनकी,
और बहुत बढ़िया ये इनका उपराला है जी गांव वालों का। शुक्रिया बातचीत के लिए। खेलेंगे तो खेलों के अंदर आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से अपने गांव का, माता पिता का, देश का, प्रदेश का नाम जो है वो रोशन लगातार करते रहेंगे। इसका उदाहरण जो है वो हम लोग लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो चर्चाएँ चलती हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि आज उस खिलाड़ी का 5 लाख रुपये से सम्मान किया गया, आज उस खिलाड़ी का सम्मान किया गया। और ताज़ा उदाहरण आपको आज मेरे खुद के गाँव के अंदर भी मैं आपको दिखा रहा था कि किस प्रकार से एक गाड़ी से और उसके बाद जो है वो दूसरे खिलाड़ी को वॉशिंग मशीन से 1 लाख रुपए की नगद राशि से, चांदी के चैन से, यानी कि तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ियों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ऐसे में आपसे भी अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे कि नशे की लत अगर आपको लग चुकी है तो उसको छोड़ करके खेलों की ओर अग्रसर होइएगा, ताकि नशे में आप नाम बिगाड़ने का काम करेंगे और खेलों के अंदर आप नाम बनाने का काम करेंगे। अब रास्ता आपने चुनना है कि कौन से रास्ते पे आप जाना चाहते हैं, नाम बनाने वाले में या नाम बिगाड़ने वाले में, फैसला आप लोगों के हाथ है। खैर फिलहाल धन्यवाद करूंगा बरोखा ग्राम पंचायत का और डाने बरोखा ग्राम पंचायत का, जिनके द्वारा जो है समय समय पर इस तरह के बड़े खेल जो है वो लगातार आयोजित करवाए जाते रह रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज गाँव का युवा जो है वो नशे की ओर ना जा करके खेलों की ओर लगातार जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम, अपने गाँव का नाम रोशन करता हुआ नजर आ रहा है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।